जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय सुदेवाया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्तों का साप्ताहिक भगवत गीता कथा में बहुत बहुत स्वागत है। और ये भगवत गीता गीता कथाएं जो चल रही हैं, ये कथाएं एक्चुअली हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवत गीता हमारा असली सिद्धांत है जो भगवान ने स्वयं हमको दिया है। सिद्धांत मतलब ऐसा जो हमें सही दिशा दिखा सके, यानी गाइडलाइंस कहते हैं इसे। तो भगवत गीता क्या है? गाइडलाइंस है ना।
और अगर ये गाइडलाइंस है आपके पास, प्रॉपर गाइडलाइंस, हाँ ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, तो क्या होता है, अगर आपके पास गाइडलाइंस है तो आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवद गीता जरूरी है। तो अभी हमने जो पुराना क्या देख रहे हैं कि अर्जुन बिल्कुल उदास बैठे हैं और उनको दुख हो चुका है इस बात का, सामने देखे जब उन्होंने अपने रिश्तेदार नातेदार देखे हैं तो वो काफी दुखी हैं और परेशान हैं और क्या कह रहे हैं भगवान से कि भगवान इनको देख करके तो मेरे जो है शरीर के सारे जो अंग है ना वो हिल रहे हैं, कांपने लगे हैं, मैं डर चुका हूं, मैं बहुत ही, और मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी इंद्रियां कार्य करना बंद कर दी हैं, ऐसा वो बोलते हैं। और साथ में भगवान से क्या कहते हैं कि अब मैं जो है युद्ध नहीं कर पाऊंगा, और लेकिन उसके पहले एक चीज और बोलते हैं क्या कि इन लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे भगवद गीता का श्लोक में, भगवद गीता 1.32 से 35 है, लेकिन इसके पहले थोड़ा बहुत कीर्तन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले श्लोक दिखा दिए, लेकिन अब थोड़ा बहुत कीर्तन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कीर्तन करके और फिर हम लोग भगवद गीता के इसको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा कथा उसमें शुरू होगी। तो चलिए हम लोग बढ़िया मृदंग के साथ करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नाम से सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चिदादेश तारिणी। नाम से सभी लोग बोलिए, जो लोग सुन रहे हैं सब लोग बोलिए। गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवादादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवादादि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Priyanavallabha Girivaradhari Girivaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Vidhanavallabha Girivaradhari Vidhanavallabha Girivaradhari Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vidhanavallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vajra Nirandana Yashoda Nandana Vajra Nirandana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Oh Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Oh Krishna Krishna Hare Jai Radha Parthi Jai Radha Parthi Jai Radha Parthati Jai Radha Parthati Jai Radha Parthati Jai Radha Parthati Hari Bol 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Naam Krishna ki jai Jai Lakshmi ki jai Hare Krishna To अभी हम लोग कीर्तन सुन रहे थे, अब हम लोग कथा में बढ़ेंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं, तो केवल मुझे बहुत कम लोग लाइव हैं, लगता है संडे को सब लोग बहुत बिजी हो गए आज के दिन, है ना। तो बहुत कम लोग जो है दिखने के कई रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीज़न कि हम बहुत बिजी हैं, संडे को हमारे पास समय नहीं है कि हम कथा में पार्टिसिपेट कर सकें, या कभी कभी होता है कि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो दोनों ही केस में कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग हैं मैं उन सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आप लोग संडे के सुबह को बिल्कुल समय निकाल करके आए हैं और इस कथा में, भगवद गीता कथा में आगे बैठे हैं। जो दिन रात, जैसे कल भी हम लोग शाम की कथाएँ थी, शाम को बहुत उत्तम कथा हम लोग थी, लेकिन वो क्या है, यहाँ पर अनंत नगर में हो रही है तो वो लाइव कथा नहीं हो रही है। और जो जो है याली कथा होती, जो कल आए थे निधि माता जी आई थी, कल कई काफ़ी लोग आए थे, कल पुनीति माता जी शायद नहीं आ पाई थी, तो लेकिन जो है काफ़ी लोग आए थे और बहुत आनंद आया था इसमें। तो
तो ऐसे ही तो, लेकिन ऑनलाइन में कभी जब हम लोग एक फ्लो में चल रहा है ना, तो कथा एक सीक्वेंस में चल रही है, तो उसमें अगर सीक्वेंस में कथा हो ना तो उसमें जरूर आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग कथा सुनेंगे, मैं बीच बीच में प्रश्नोत्तर करता रहूंगा, आप लोग कृपया उसका आंसर करते रहें, तो मुझे अंदर से ये लगेगा कि आप लोग जो है कथा में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो नीलम माता जी, पुनीते माता जी, मोनिका माता जी, निधि माता जी, सारी माताओं को मेरा बहुत बहुत नमन कि आप सब लोगों ने समय निकाल करके ज्वाइन किया। तो अब हम लोग चलते हैं भगवद गीता के उस श्लोक में जहां अर्जुन थोड़ा सा मोहित है और क्या कह रहा है भगवान के लिए, भगवान से कहता है किम नो राजेन गोविंदा किम भोगैर जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च किम नो राजेन गोविंद। तो प्रभुपाद जी ने चारों श्लोकों को एक साथ लिखा है, तो हम लोग एक साथ पढ़ करके उसका एक साथ मतलब जानेंगे। ठीक है, कहता है फिर आगे बोलता है इमे वस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा स्थैव च पितामहा मातुलः श्वशुरः पौत्रा श्याला संबंध निस्थता एतान हन्तुमिच्छामि ग्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किम्नु महि कृते निहत्य धात्राष्टान्नः का प्रीति स्या जनार्दना। इधर उसने भगवान के कितने नाम लिए बताइए, भगवान के कितने नाम आए यहां पर लिखिए, अर्जुन ने भगवान को कितने नामों से पुकारा है, चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, तो अब आप इसमें, मैं इसको इसी पेज में रखूंगा ताकि आपको ये दिखाई देता रहे पेज। तो भगवान को अर्जुन ने कितने नामों से इस वाले श्लोक में बुलाया है, पहला नाम बताइए, अभी तक कोई आंसर नहीं आया मेरे पास। चलिए टिक टिक वन, टिक टिक टू, सभी शांत है। मैंने फिर से देखिए, अच्छा आपके सामने श्लोक लिखा हुआ है उसको देखिए, किम नो राजेन गोविंद, पहला नाम लिखिए गोविंद, वेरी गुड। निधि माता जी का पहला आंसर आया, जोरदार तालियां माता जी के लिए, हरी हरी बोल, हरी बोल। तो जय, तो कहते हैं कि किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। तो दूसरा कि फिर आगे क्या बोला इन्होंने एक जगह और, एतान हंतुम इच्छामि ग्नोपि मधुसूदना। निधि माता जी ने दूसरा अंतर किया, पुनीति माता जी आप कहां रह गई, पीछे रह गई क्या, आपके आंसर नहीं आ रहे। मोनिका माता जी सभी लोग आंसर करिए, नीलम माता जी। तो जो है पहला क्या है, किम नो राजेन गोविंद, गोविंद आंसर आया, दूसरा मधुसूदन आया, तीसरा क्या है अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किम्नु महि कृते निहते धात्राष्टान्नः का प्रीति स्या जनार्दना। तो बताइए तीनों नाम लिखिए, तीसरा नाम कौन सा है, त्रिलोका, त्रिलोका वो राज भगवान का नाम नहीं है, चलिए हम लोग समझेंगे, जनार्दना है ना, जनार्दन नाम किसका है, भगवान का एक नाम जनार्दन भी है ना। तो हम भगवान के इन नामों को भी समझेंगे, भगवान का नाम जनार्दन क्या है और जो है इनका असली मतलब क्या है। तो जो है निधि माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, केवल आपने ही लगता है श्लोक को कायदे से सुना है तभी आप लगातार आंसर जो है उनको आप करे जा रही हैं। तो इस श्लोक को जो है हम देखते हैं क्या बोलते हैं, किम नो राजेन गोविंदा, किम मतलब क्या लाभ है, राजेन अरे इस राज्य का क्या लाभ है, नह या नह जो शब्द आया है ना वो हमको के लिए आया है, किम नह राजेन गोविंदा, हे गोविंद हे कृष्ण। तभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे अर्जुन ने गोविंद नाम ही क्यों लिया, यहां पर कृष्णा नाम क्यों नहीं लिया। तो जो है कहते हैं कि अर्जुन जब बोलते हैं किम नो राजेन गोविंदा, तो सोचिए अर्जुन के ये भाव हो सकते हैं कि हे गोविंद, गो मतलब क्या होता है इंद्रिया है ना, और गो और विंद मतलब आनंद देने वाले, एक गो मतलब क्या होता है गाय, और इंद मतलब विंद मतलब आनंद देने वाले। तो गो और विंद यानी यानी गायों को जो आनंद देते हैं और जो इंद्रियों को आनंद देते हैं वो है गोविंद। तो कहते हैं हे गोविंद, आप तो सभी के इंद्रियों को आनंद देते हैं और मेरी इंद्रियां इस समय सूख रही हैं और उनको आनंद की आवश्यकता है,
और आप मुझसे कह रहे हैं कि इन लोगों से युद्ध करिए, तो मैं युद्ध करूंगा तो मुझे आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरी इंद्रियां इनको देख करके ही सूख रही हैं। कृपया करके मुझे वो आनंद दीजिए जिससे, यानी मुझे इस युद्ध से दूर रखिए, ये कहना चाह रहे है ना। तो कहना चाहते हैं क्या, किम न राज्ये ने गोविंद, किम क्या क्या लाभ है इस न हमको राज्ये ने गोविंद, हे गोविंद मुझे कोई लाभ नजर नहीं आता, आप तो मुझे सब तरह से आनंद देते हैं, इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, कृपया मेरी इंद्रियों को भी आनंद दीजिए। तो कहते हैं किम भोगई, फिर क्या बोलते हैं किम भोगई जीवितेन वा, है ना, यानी जीवितेन मतलब जीवित रहने का क्या फायदा, अब यानी इनको भोगने का क्या फायदा, मतलब कि कहते हैं कि अगर मैंने सबको मार दिया और उसके बाद मुझे राज्य मिल गया तो इसका ऐसे भोगने का क्या फायदा हुआ। यानी सभी लोग, जैसे अगर आपने कोई बड़ा घर खरीदा तो आप सबको इनवाइट करते हैं, अपने रिश्तेदार नातेदारों को गृह प्रवेश में इनवाइट करते हैं, गृह प्रवेश में बुलाने का क्या मतलब हुआ पता है, ये दिखाने का हुआ, जब गृह प्रवेश में हम बताते हैं कि हम गृह प्रवेश में आए हैं, जब हम बुलाते हैं लोगों तो केवल ये केवल और केवल मतलब ये होता है दो, कि पहले तो आप हमारी खुशी में सम्मिलित हुई है, और दूसरा खुशी में सम्मिलित होने के साथ साथ ये जो हमारा घर है उसको देखिए कि घर कैसा बनाया है हमने, तो ये भी दिखाने का हम प्रयास करते हैं, है ना। तो जो है मैंने गोविंद का जो मतलब बताया है, आप सब लोग लिखिए गोविंद का क्या मतलब, दो मतलब कौन कौन से बताए हैं मैंने उनको मतलब लिखिए इसमें, तब तक आप मतलब लिखिए, क्यों, क्योंकि ये मतलब अगर आपको पता होंगे तो आप इस लाइन को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो कहते हैं कांगशितम, अब कहते हैं अब किम न राज्येन गोविंदा किम भोगई जीवितेन वा ये शाम अर्थे कांगशितम न, अरे जिनके लिए हम इच्छा करते हैं राज्यम, यानी हम जिनके लिए भोगा सुखाने चा, अरे हम जिनके लिए क्या करते हैं राज्य की इच्छा करते हैं कि हम उनको दिखाएंगे उनके साथ भोगेंगे, अरे वही जीवित नहीं रहेंगे तो फायदा क्या है। बिल्कुल सही, आनंद देने वाले हैं किसको, इंद्रियों को और गौ को, बिल्कुल सही माता जी आंसर आपका है। तो कहते हैं कि न राज्यम भोगा सुखानिचा ते इमे अवस्थिता, तो अब क्या है, अब जब आया है तो कहते हैं अब तो जब सभी के सब खत्म हो गए मर गए तो मैंने राज्य को प्राप्त भी कर लिया, तो क्या हुआ उस राज्य को प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं हुआ, किम नो राज्य, समझ आ गया ना। तो हम इसके गहराई में और जाएंगे लेकिन अभी ये समझ लीजिए शब्द अर्थ में समझ आ रहा है कि नहीं, किम नो राज्य गोविंदा, नो मतलब यहाँ पे वो इंग्लिश वाला नो नहीं है, ये है न हमको, यानी क्या राज फायदा है हमको राज प्राप्त करके, हे गोविंद जब हम इसको भोगे बिना अपने रिश्तेदार नातेदारों के, यानी यहां पर वह अपनी इंद्रियों के सुख की बात कर रहा, और हमें किसके इंद्रियों के सुख की बात करनी चाहिए, केवल भगवान कृष्ण के सुख के इंद्रियों की बात करनी चाहिए, ना कि अपने अपनी इंद्रियों के सुख की बात करनी चाहिए। जब हम अपने इंद्रियों के सुख की बात करते हैं तो क्या होता है, हम क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, हमारा इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए, बाकी भगवान को सुख ही मिला कि नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये हम लोग हमारे अंदर आ गया ना, इधर भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो और जो है, लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, मैं युद्ध करने के लिए वो पक्ष में भी नहीं जा रहा। हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु जी ज्योति माता जी, देखिए चैतन्य प्रभु ने बताया था थोड़ा सा लेट आएंगे लेकिन वो बिल्कुल आगे देखिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको ज्वाइन करने के लिए। तो किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषा मर्थे कांगशितम नो राज्यम भोगा सुखानिचार, मेरे अगर लोग ही नहीं रहेंगे आसपास तो राज्य को सुख भोग करके मैं क्या करूंगा। अब अगला श्लोक देखिए, ता इमे वस्थिता युद्धे, है ना, मतलब कि ता त, ये देखिए छोटा शब्द त आया है ना, त तो अगर बोले ता मतलब ये ते है, यानी ते इसको ऐसे सोचिए, वे इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानिचारे, वो धन के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए आए, धन के लिए प्राण त्याग करें, ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानिचारे, वो सोचिए कितने पागल हैं
कि वो धन के लिए प्राण त्यागने के लिए आए। सोचिए, कई बार होता ना युद्ध किस लिए किया जाता है, एक बार युद्ध होता है कभी अपने आप की रक्षा के लिए, कि कहीं अगर आप पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो आपको युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी रक्षा करनी है, कहीं आपको मार ना दे। दूसरा, मुझे उसका सामान लूटने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ेगा, मैं उसका सामान लूटना चाहता हूं और मैं जाकर के उसके सामान को लूट लूं, इसके लिए मैं युद्ध करता हूं, है ना। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से युद्ध करते हैं, अलग अलग वजह से युद्ध करते हैं। तो कहते हैं कि अरे वो लोग जो है सामने जो खड़े हैं, इमे वस्तुतः युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानिच्छा आचार्यः, अब कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें वो भी बता रहा है कि कौन कौन ऐसे लालची लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। कहते हैं अरे गुरुजन, अरे ये पहले बहुत अच्छे गुरु हैं लेकिन इनके अंदर लालच आ गया है, है ना। इनके अंदर क्या लालच आ गया कि मुझे राज मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, धन मिल जाए। पितराः पितृगण, अरे मेरे पुत्राः मेरे पुत्रगण, और अरे ये तो सब निश्चय मेरे पितामह, अरे मेरे पितामह तक अगर इस चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। किस चीज में? कि किसी भी तरीके से बस पैसा मिल जाए, युद्ध करके मिल जाए, चाहे प्यार से मिल जाए। तो और उनमें ये लोग अगर आ गए तो आगे क्या बता रहा है? आगे बोलता है कि मातुला ससुरा पौत्रा, अरे मातुला, देखिए वो अलग अलग लोगों के नाम बता रहा है। कह रहा पहले किसने बताया? मेरे सबसे पहले उसने गुरुओं का नाम लिया क्योंकि उसको सरप्राइज हुआ, क्या मेरे गुरुजन भी धन के लिए सामने खड़े होकर युद्ध करेंगे क्या? अरे मेरे गुरु को धन की ऐसे क्या आवश्यकता है, वो तो ज्ञान देते हैं और ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के बदले में उनको क्या मिलता है? गुरु को उनका रिटर्न गिफ्ट मिलता है कुछ ना कुछ, हम तो देते हैं रिटर्न गिफ्ट। तो गुरु को जो है हमने कुछ भी रिटर्न में, गुरु कभी मांगता नहीं है। इधर तो गुरु युद्ध करके पैसा मांगने के लिए खड़ा है और वो आश्चर्यचकित हो रहा है, मेरे पितृगण खड़े हैं। अरे वो तो देने के लिए उनके हाथ होते हैं, खींचने के लिए नहीं होते हैं। अरे कहता कैसा समय आ गया कि पुत्रगण पैसे के लिए खींच रहे हैं और सबको छोड़ो, अरे मेरे पिता महा तो सबसे बड़े हैं, क्या इनको समझ नहीं आता कि मुझे युद्ध नहीं करना है, या इनको ये समझा नहीं सकते क्या बाकी लोगों को? वो ऐसे आश्चर्य कर रहा है और बोला ये तो छोड़ो, मेरी माँ का भाई जो मामा लोग हैं और उनको छोड़ो, मेरे पत्नी के जो पिता हैं, यानी मेरे पत्नी के पिता या कह सकते हैं मेरे भाइयों के पत्नी के पिता लोग जो ससुर लोग हैं, ससुर लोग भी खड़े हैं, और वो छोड़ो जो मेरे नाती लोग हैं यानी मेरे पौत्र इत्यादि हैं, और मेरे पत्नी के भाई लोग हैं जो साले लोग हैं, ये सब संबंधी, ये जितने संबंधी हैं, है ना, संबंधी स्थिति मतलब जितने संबंधी जन है, ये सब मुझसे केवल और केवल लक्ष्मी के लिए यानी धन के लिए युद्ध करने के लिए खड़े हैं, राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध करने के लिए खड़े हैं, लेकिन मुझे राज्य प्राप्ति के लिए कोई स्नेह नहीं है। कहता है एताम एतान हंतुम इच्छामि, अरे कहते हैं ये सब आए हैं लेकिन एताम ये सब कभी नहीं मैं मारना चाहता हूं, इच्छामि चाहे ना मुझे नहीं मारना है। क्या है, क्या इच्छा नहीं है? अघ्नता मतलब मारे जाने पर मुझे इनको जो है क्या कह रहा है कि मैं इनको मार नहीं सकता, समझ क्या कहना चाह रहा है कि मैं इनको नहीं मार सकता चाहे ये मुझे क्यों ना मार डाले, मैं इन सबको नहीं मारना चाहूंगा, है ना। यानी वो जो है भगवान के लिए सीधे सीधे भगवान से बातचीत करने में लगा हुआ है कि चाहे मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधी स्थिता ये सब एतान हंतुम इच्छामि गुनो अपि मत्सूदना, अरे ये मुझे मार डाले, गुनो अपि मुझे मार डाले लेकिन मैं इनको नहीं मारने में इच्छा रखता हूं। अरे बाबा इतनी बड़ी बात बोल दी, अब क्या बोल रहा है? और दुखी होके बोल रहा है, क्या कहता है? अपि त्रैलोक राजस्य, अरे त्रैलोक मतलब तीनों लोकों का, है ना, अपि मतलब कहता मतलब अपि चाहे तीनों लोक के राज मुझे मिल जाएं, प्राप्त हो, किमनु मही करते, अरे चाहे तो उसके लिए मुझे चाहे तीनों लोगों का आप राज ही दे दिया दीजिए, ये पृथ्वी तो छोटी हो गई। कहते ना अरे आप चाहे मुझे कुछ दे दो मैं काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ दे दो बोलते ना लोग, तो अगर कुछ दे दो काम नहीं करूंगा का मतलब क्या हुआ?
कि आप चाहे राज्य दे दो, चाहे खाना दे दो, चाहे पानी दे दो, चाहे वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव यू गिव मी, बट आई वोंट वर्क, मैं काम नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपित्राय लोक के राजस्य, आप मुझे तीनों लोगों के राज राजा बना दीजिए, चाहे इंद्र बना दीजिए, लेकिन और ये पृथ्वी तो बहुत छोटी हो गई, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, निहत्य, निहत्य मतलब मारकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को न, अरे मेरी नहीं, का प्रीति स्याद जनार्दना, हे जीवों के पालक, मैं कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, किसको, प्रीति मतलब प्रसन्नता, इन लोगों को, मेरे जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनको मारकर मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी, चाहे मुझे आप तीनों लोगों का राजा ही क्यों ना बना दीजिए। अभी समझ में आया, तो अब पूरा ऊपर से नीचे तक देखिए, किम नो राजेन्द्र गोविंदा किम भोगैर जीवितेन वा येषा मर्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे वस्तुता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामह मातुलः श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनि सिता एतान हन्तुमिच्छामि गुणोऽपि मधुसूदन। ये सब लोग भले ही मुझे क्यों ना मार डाले, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा, चाहे आप मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना दे दें, तब भी मैं इनको मारने का कोई मुझे मन नहीं है, कोई भी मुझे प्रसन्नता नहीं होगी इनको मार करके, है ना। अब ये बात तो बोली अर्जुन ने, भगवान क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा करके सुन रहे हैं, भगवान मुस्कुरा के सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं गोविंद अर्जुन की इस बात को सुन करके, कहते हैं कि देखिए, इन्होंने जब ये गोविंद बोला तो मतलब क्या हुआ, गोविंद बोल करके इन्होंने एक चीज, एक शब्द निकाला क्या, कि आप सबके इंद्रियों को आनंद देते हैं तो मेरे इंद्रियों को आनंद दे, आप सबके इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो मेरी इंद्रियों को तुष्ट करिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं, अगर जो है भगवान, हमारी इंद्रियां क्या है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास समय करना चाहिए, ना कि उनसे एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि वो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करें, संतुष्ट करें, है ना। तो जो है हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, मंदिर जाता है, हे भगवान मुझे पैसा दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, क्यों दे दो, ताकि मेरी इंद्रियां खुश रहें, सुखी रहें, है ना, भगवान से डिमांडिंग है, तुम मेरे लिए ये कर दो, क्योंकि भगवान को तुमने नौकर समझ रखा है ना, भगवान से हम केवल डिमांड करते मांगते रहते हैं, भगवान को कभी देने का प्रयास नहीं किया, कभी जाकर के आज तक आपने मंदिर में पूछा भगवान आप कैसे हैं, हमेशा हम भगवान से कहते हैं हम कैसे हैं, हम बताते हैं भगवान आपको क्या चाहिए, अरे हमें लगता है आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं होगा, है ना। भगवान साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजें चाहिए, भगवान कहते हैं मुझे चाहिए कि तुम मुझे सततम कीर्तयन्तो माम, मेरी सतत कीर्तन करो, भजन करो, भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा करो, भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों को त्याग करके केवल और केवल ज्ञान यज्ञ अर्थात कर्मणो नित्ता, सभी कर्मों को छोड़ करके केवल यज्ञ जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, भगवान इस सब बहुत कुछ चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप समझो कि प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणी सर्वसा, आप ये प्रकृति कर आप नहीं कर रहे हो, इसलिए आप मेरे शरण में आ जाओ, भगवान ये चाहते हैं कि जन्म मृत्यु जो मेरे जन्म को जानता है, मेरे कर्म को जानता है, तो जो है वो दिव्य हो जाता है, उसको मेरे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, कम से कम तो मेरे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो, है ना। तो जो है तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, है ना। तो जो है चेतना प्रभु करे, हाँ प्रभु मैं डेली पूछता हूँ, आयास खाओ आर यू केशव एवरी डे, हरी बोल प्रभु आपके लिए। चेतना प्रभु जी आप बहुत अच्छा करते हैं, केवल वैष्णव ही ऐसा कर सकता है, और बाकी सब लोग तो नहीं कर सकते, वैष्णव ऐसा कर सकता है। आप डेली पूछते हैं भगवान से, इसका मतलब है भगवान कुछ सुनना चाहते हैं कि अरे आपको कोई दुख तो नहीं है, मैं आपको, आप मेरे घर में हैं, उल्टा है एक्चुअली, जैसे माखन चोरी करते थे भगवान, तो गोपियां कहती थी कि अरे हे लल्ला तुम हमारा माखन चोरी कर लेते हो, तो भगवान कहते तुम्हारा माखन, इस जग में ऐसा क्या है जो मेरा नहीं है, इस जग मेरा है तो इस जग का सब कुछ मेरा है, और जब सब कुछ मेरा है तो इसका माखन भी मेरा है, तो मैंने चोरी कैसे की। वैसे ही हम कहते हैं कि हम अपने घर में भगवान लाए हैं,
अरे नहीं नहीं भगवान ने हमें इस घर में शरण दी है और वो अपने घर में स्वयं आए हैं। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए, हमारे भगवान इस घर के मालिक हैं और इस घर का रक्षक मैं हूं। भगवान ने हमें सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस घर को असाइन किया है, ताकि हमें दिया है लो इस घर की रक्षा करो, इस घर को साफ सुथरा रखो, इस घर में कीर्तन भजन करो, इस घर में मेरे मेरा बोध यंत्र मेरे बारे में चर्चा करो, और कहते हैं मेरे विषय में इस घर में लोगों को बताओ, लोगों को बुलाओ, लोगों को इस घर में प्रसाद खिलाओ। और हम क्या करते हैं, लोगों को बुला करके दारू पिलाते हैं, लोगों को बुला करके मांस खिलाते हैं। हम क्या करते हैं सोचिए, मैं हम का मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग तो परम वैष्णव हैं, आप लोग तो कुछ नहीं ऐसा करते, मैं जनरल बात बता रहा हूं, इस कलयुग के लोगों की बात बता रहा हूं, जो इस घर का उपयोग किसके लिए, अपनी तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि के लिए करते हैं, ना कि भगवान के लिए करते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं आपको। अरे ये घर भगवान मालिक है और भगवान ने इसकी ओनरशिप किसको दी है, हम लोगों को दे दी है कि तुम मेरे अनुसार इस घर का कार्य करो, लेकिन हमने भगवान को किनारे कर दिया। जैसे पिता अगर घर बना करके अपने बच्चे को देता है कि लो बेटा इस घर को तुमने जैसे मैंने रखा वैसे ही रखना, और बेटा क्या करता है, पापा से जैसे ही घर मिल जाता है वो सभी पार्टियां करता है और उल्टी सीधी पार्टियां करता है, या उस घर में कभी पूजा पाठ नहीं करता, तो पिता को दुख होता है। वैसे ही भगवान ने हमें जब ये घर दिया है ना, छोटा घर, एक कमरे का घर, मिट्टी का घर या सोने का घर, कोई भी घर भगवान ने हमें दिया है, उस घर को भगवान की अमानत मान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, और उसमें भगवान की अमानत मान करके उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें कोई गंदे कार्य नहीं करने चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, उल्टे सीधे कार्य नहीं करने चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये सब उल्टे सीधे कार्य हमें घर पे नहीं करने चाहिए। घर क्योंकि भगवान का है और भगवान के घर को मंदिर बोला जाता है, तो हर घर जो आपके घर में जिस जो भी रहते हैं ना आप लोग, सबके घर में क्या है, वो मंदिर है, सबका घर मंदिर है एक्चुअली। तो भगवान के मंदिर की सफाई भगवान के मंदिर समझ के करना चाहिए ना, कि ये मेरा घर है समझ के करना चाहिए। जब आप कहेंगे मेरा घर है तो आप अपनी दृष्टिकोण से देखेंगे, जब आप सोचेंगे भगवान का घर है तो भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे, और भगवान को कौन सी फोटोज पसंद होंगी, भगवान को तो राधा रानी की फोटो पसंद होगी ना तो अगर आपने राधा रानी की फोटो लगाई तो भगवान बहुत खुश होंगे, अगर आपने हेमा मालिनी की फोटो लगा दी तो भगवान को क्या मतलब है ना। अगर आप हेमा मालिनी तो बहुत पुरानी हो गई, जो नई हीरोइन आती है हमें पता नहीं, तो जय कोई ऐसे आपने कोई ऐसी फोटो लगा दी तो भगवान को उससे क्या मतलब है। अगर कोई देखते कई लोग अपने घर में सलमान खान, आमिर खान और हीरो गोविंदा इनकी फोटो लगा के घूमते हैं और सोचते बहुत अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड हो गए, भगवान को उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर आपने अपने घर में हरिदास ठाकुर की फोटो लगा दी, अरे भगवान बड़े ही जो है प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपने इन हीरोज की फोटो लगाई है जिनको भगवान हीरो मानते हैं हम जिनको हीरो मानते हैं वो नहीं, जिनको भगवान हीरो मानते हैं, अरे जो है आप उनको हीरो मानिए। हरिदास ठाकुर को भगवान अपनी गोद में लेकर के घूम रहे हैं, भगवान अपनी गोद में जिनको लिए भगवान उनको हीरो मानते हैं, और हम जिनको हीरो मानते हैं अगर हमने उनकी फोटो लगा ली तो भगवान उससे क्या मतलब। भगवान ने जो है अलग अलग जिनको जिनको हीरो की पदवी दी है, अपने शिला प्रपाद हैं उनकी फोटो को लगाइए, है ना, हमारे सद गोस्वामी हैं उनकी फोटो लगाइए, आप इन सब की फोटोज लगाइए, तो क्या होगा, ये सब फोटो क्या होंगे, भगवान को प्रसन्न करते हैं। शशिबाला माता जी कहती हैं हमारे घर में राधा कृष्ण की फोटो है, बहुत उत्तम माता जी, आपके घर में राधा कृष्ण की फोटो है इसका मतलब है भगवान कृष्ण और राधा दोनों ही राधा कृष्ण को देखकर खुश हो रही होंगी और कृष्ण राधा को देखकर खुश हो रहे होंगे, है ना तो कहते हैं कि अपनी तुष्टि के, लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है कि भगवान के लिए तुष्टि के लिए भगवान क्या चाह रहे हैं कि युद्ध करो, और अर्जुन कह रहा है मेरे इंद्रियों को सुख नहीं मिल रहा इस समय, अब भगवान की इंद्रियां सुखाने में लगा हुआ है भगवान को लग रहा है अरे क्या करो। अगर दूसरे चैप्टर में आप सुनिएगा भगवान का, बिल्कुल भगवान को इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर, है ना, अरे क्या कर रहे हो तुम, ये कहां पहुंच गए, क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो, अभी हम लोग सुनेंगे सेकंड चैप्टर में। तो कहते हैं
कि हर कोई भगवान से केवल और केवल डिमांड करता है और भगवान को सोचता है भगवान उसके आज्ञा का पालन करें। मैं बोल दूं कि भगवान मेरे बच्चों को टॉपर बना दो तो भगवान टॉपर बना दे, मैं बोल दूं तो भगवान मुझे गाड़ी दिला दो तो गाड़ी दिला दे, लेकिन हम कभी भगवान के लिए तुष्टि के लिए क्या कार्य करते हैं? नहीं। तो हमें उनकी तुष्टि के लिए कार्य करना पड़ेगा, संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। नीलम माता जी, आज आपको अनंत नगर की लोकेशन मिल जाएगी, आपको जो है व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। अब आपका नंबर मेरे पास आ गया है, क्षमा कीजिएगा, पहले नंबर नहीं था इसलिए मैं आपको लोकेशन नहीं भेज पाया। तो कहते हैं किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है तो क्या होता है, वह अपनी नेतृत्व की वजह से चिंता में रहता है। तो अगर हम दुखी हैं तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम चिंतित हैं। अरे अगर मुझे नहीं मिला, अभी तो मुझे खाना मिल रहा है, और नहीं मिला तो क्या होगा? आज तो मेरी नौकरी है, कल को नहीं होगी तो क्या होगा? क्योंकि नौकरी नहीं हुई तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो इंद्रिय के जो भोग हम आज भोग रहे हैं वो कल नहीं भोग पाएंगे। इस वजह से हम क्या होते हैं, लगातार चिंतित बने रहते हैं। और जो है क्या है, लेकिन भगवान क्या, अगर हम भगवान की इंद्रियों की पुष्टि करते हैं तो भगवान की इंद्रियों की केवल पुष्टि करने से सारे जीवों की इंद्रियों की पुष्टि हम कर देते हैं। आपको पता नहीं, जब जो है दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने बोला 60,000 शिष्यों के साथ आए और कहते हैं द्रौपदी से और पांडवों के पास आए, कहते हैं हम अभी स्नान करके आते हैं, आप कृपया करके प्रसाद का व्यवस्था रखें, क्योंकि दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा करी थी और भगवान और जो है उनको भेज दिया था इनके पास। उनको पता था दुर्योधन के भिखारी लोग हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं, और दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो जाएंगे और उनको श्राप दे देंगे, किसी ना किसी तरीके से इनका परेशानी हो। तो जो है वो कहते हैं कि आऊंगा, और उधर आकर के सब स्नान करने के लिए चले गए। भगवान आते हैं और कहते हैं अरे कुछ खाने के लिए है क्या मेरे लिए? द्रौपदी कहती हैं मेरे आपके लिए खाने के लिए मेरे पास क्या है, सारे बर्तन खाली पड़े हैं, और ये तो छोड़िए हम बहुत चिंतित भी हैं। कह क्यों इसलिए चिंतित है, क्योंकि अभी ऋषि मुनि सब अपने शिष्यों के साथ आएंगे और हमारे पास खिलाने के लिए उनको कुछ भी नहीं है। तो कृष्णा कहते हैं हंसते हुए, अरे मुझे भी भूख लगी है और मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो, तो 60,000 लोगों को खिलाओगी तो मुझे भी कुछ खिला दो। तो द्रौपदी कहती है आप हमारे साथ क्यों खेल खेल रहे हैं कृष्णा, हाँ आप जानते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, इस समय सब कुछ खा लिया गया है पूरा, और चूंकि हम आपको भोग लगा के खाते हैं तो एक दाना भी वेस्ट नहीं करते, यानी आपको हम पहले चढ़ा चुके होते हैं तो एक दाना भी हमारा वेस्ट नहीं होता, कि हम गंदगी में फेंकते नहीं, सब खा लेते हैं, चाट चाट के खा लेते हैं। तो कृष्णा कहते कुछ तो होगा मेरे लिए, ये तो देख लो। तो कहती कुछ नहीं है, कहते जाके एक बार बर्तन तो देखो, कुछ तो पड़ा होगा। जब द्रौपदी जाती हैं और बर्तन को खंगाल करके देखती हैं तो उसमें एक बड़े से मटके में एक दाना चावल का होता है, और चावल लेकर के आती हैं और कृष्णा से कहती हैं ये चावल का दाना के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान कहते वाह ये तो बहुत है मेरे लिए, और एक दाना चावल उठा के अपने मुंह में डालते हैं, कहते हैं आह द्रौपदी तुमने आज मुझे खिला के पूरा मेरा पेट भर दिया, मुझे पूरा संतुष्ट कर दिया, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था ये चावल का दाना तुम्हारा, चावल बहुत टेस्टी बनाया तुमने। सोचिए इतने दयालु हैं हमारे कृष्णा एक दाने चावल से खुश हो जाते हैं ये, और मांग मांग के खाते हैं दुर्योधन ने उनके लिए पूरा रास्ता बिछा दिया, जब पता चला कृष्णा आ रहे हैं संधि के लिए, प्रस्ताव के लिए, तो उनको मनाने के लिए कि हमसे कुछ मांगे नहीं, पूरा उनके लिए बिछाया। और उस समय वो भगवान जंगल के रास्ते से पहुंच गए, कहते तेरी सेवा नहीं लूंगा, फिर उनको सोने के बर्तनों में खाने की व्यवस्था करी दुर्योधन ने, भगवान ने वो भी नहीं खाया, है ना, वो भी नहीं खाया। और क्या कहते हैं, मैं अभक्तों के हाथों में इसका बना हुआ खाना भले सोने के पात्र में ही क्यों ना रखा हो, मैं नहीं खाता, मैं नहीं प्राप्त करता उसको। लेकिन क्या है, जो भक्त हैं उनके मैं मांग मांग के खाता हूं, सबरी से भूखे पेट मांग मांग के खा रहे हैं कि कृपया मुझे कुछ दीजिए, कृपया मुझे दीजिए, ये मैं जो है वो उसे मांग मांग के खाते हैं।
सबरी से मांग के खाते हैं और दुर्योधन क्या त्याग देते हैं, है ना। ये होता है भगवान, यही है भगवान। तो अगर हमारे अंदर भक्ति है, हम भक्त हैं, तो हमारे अंदर भगवान, अगर हमने भगवान की भक्ति भगवान के लिए कार्य करेंगे तो भगवान हमारे घर में छीन छीन करके खाएंगे, छीन छीन करके, साधारण नहीं, वो छीन करके खाते हैं। सोचिए, उदाहरण बताइए, किसी को कोई उदाहरण याद है भगवान कैसे छीन के खाते हैं? गोपियों के घरों में भगवान कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं भगवान गोपियों घर में, बताइए। चोरी करके खाते हैं, है ना, यानी चोरी करके भगवान पाते हैं ना, चोरी करके। तो भगवान कैसे खाते हैं? चोरी। और अपने भक्तों घर में श्रीधर जो है बहुत गरीब हैं, चैतन्य महाप्रभु पूरे कीर्तन करते हुए उनके घर जाते हैं और घर जाकर के उनको क्या करते हैं, उनके घर में कीर्तन कर रहे होते हैं और उनके घर, श्रीधर के घर में कुछ भी नहीं मिलता उनको, कुछ भी नहीं है। बाहर एक ऐसा लोहे का पात्र रखा है जिसमें कई जगह से टाके लगे हैं, क्योंकि लाल जो पात्र है वो पुराना हो चुका है और उसमें बाहर जो बारिश का पानी गिरता है वो पानी भरा हुआ है, श्रीधर उसी को पी करके रहते हैं। और भगवान जब चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे होते हैं, उनको प्यास लगती है, उसी लोहे के पात्र को उठा के पानी पी लेते छीन करके भगवान। ऐसे होते हैं हमारे भगवान। ये है गोविंद, इसलिए उनका नाम गोविंद है, है ना, इसलिए उनका नाम क्या है, गोविंद है। अपने भक्तों के इंद्रियों को भी सुख प्रदान करते हैं और सब ये देख करके कि भगवान चैतन्य महाप्रभु उस पात्र से पानी पी लिया, उस पात्र को उठा करके ऐसे पी गए, सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं भगवान की इस भक्त वत्सलता को देख करके, भगवान की इस भक्त वत्सलता को देख करके सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। नीला माता जी भगो से बात, सुदामा की भी एक बहुत बढ़िया कथा है। तो इससे भगवान क्या करते हैं, सुदामा से चोरी कर रहा है, काख में छुपा छुपा के किनारे कर रहा है और भगवान छीन करके खाते हैं, अपने सखा के मुंह से में हाथ मार के उसके मुंह का छाछ अपने मुंह पे ले लेते हैं। वाह वाह, क्या भक्त वत्सल भगवान है, भक्ते भ्यो भक्त वत्सला, ये है भगवान हमारे। तब भगवान के लिए थोड़ा करते हैं तो भगवान हमारे लिए ज्यादा करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जब तक तुम बीज नहीं बोओगे तब तक फल कैसे मिलेगा। सोचिए भगवान की कला देखिए, आर्ट देखिए, हम आज बड़े खुश होते क्या इतने छोटे पेन ड्राइव में, कितना इतने छोटे पेन ड्राइव में 100 GB डेटा आ सकता है, हम ऐसे सोचा करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वाह एक छोटे से पेन ड्राइव में 50 GB डेटा आ सकता है, कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। लेकिन वहीं पर भगवान को देखिए ना, आप बीज देखते ना, आम का बीज इतना बड़ा होता है, आम का बीज और बरगद का बीज तो और छोटा बीज होता है, और छोटा बीज होता है सभी, और देखिए तुलसी का बीज तो कितना छोटा होता, दिखता भी नहीं आंखों से, इतने छोटे बीज में सारा सॉफ्टवेयर डाल दिया है कि जब ये पानी के अंदर मिट्टी के अंदर जाएगा, इसके अंदर से पेड़ निकलेगा, उस पेड़ में फल लगेंगे और उस फल से फिर से बीज निकलेगा और उस बीज में फिर से पूरा सॉफ्टवेयर डाल दिया। क्या भगवान की कला है, क्या हम समझ पाते हैं भगवान की क्षमता को, इस लीला को जान पाए हैं, क्या हमने इस नजर से देखा है उस बीज को आज तक। एक छोटे से बीज में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लिख दिया, और वो ऐसा नहीं कि अगर वो डिब्बे में रखा है तो वेस्ट है, डिब्बे में रखे रहिए उसमें कुछ नहीं होगा, वो जब सच में सही उसमें आएगा, यानी मिट्टी में गोपा जाएगा, मिट्टी से बोया जाएगा और उसमें पूरा पानी पड़ेगा, तब जाकर के ही वो अंकुरित होगा। सोचिए कहां से आया, यानी वो पेड़ उसमें है, उस छोटे बीज में इतना बड़ा पेड़ है, ये भगवान ने सॉफ्टवेयर लिखा है। और हम भगवान की उस चीज को छोड़कर क्या करते हैं, हम अपने विषय में केवल चिंता करते हैं, भगवान के विषय में कोई चिंता नहीं करते। मधुसूदन नाम दिया सर, क्यों लिया मधुसूदन, देखिए अर्जुन ने वो क्या बोला, मधुसूदन यानी एतान हंतुम इच्छामि नो भी मधुसूदन, हे मधुसूदन आपने तो बहुत राक्षसों का, मधु नामक राक्षस का सूदन किया है, मारा है उसको, आप तो मधु के, मधुसूदन मधु कौन है पता है,
साधारण व्यक्ति तो नहीं है मधु नामक राक्षस, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता वो बता देता हूं। मधु और कैडब दो राक्षस हुए, वो गर्भोदशायी विष्णु अपना के कान के मैल से क्या भगवान के कान में मैल कहां से आ गया? अरे भगवान को जब लीला करनी होती तो कुछ भी कर लेते, तो भगवान के उसमें कोई प्रश्न नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। कान के मैल से एक मधु और कैटब राक्षस बने, और वो राक्षस इतने खतरनाक थे कि इतने खतरनाक राक्षस है वो कि उनको ब्रह्मा जी को डरवाने लगे। और ब्रह्मा जी कोई छोटे मोटे कोई छह फीट के आदमी तो है नहीं, मीलों लंबाई उनकी है, और मीलों लंबाई इनकी मधु कैटब राक्षस की भी है। और ब्रह्मा जी डरने लगे उनको देख करके। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बचाइए भगवान, आप ऐसे ऐसे राक्षस पैदा करेंगे तो हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जब इनको दर्शन दिए मधु कैटब को, तो मधु कैटब बड़े खुश हो गए भगवान को देख करके। नहीं जैसे कोई आजकल के लोग होते हैं, कोई बच्चा अच्छा गा दे तो बेटा तो चाचा ताऊ या बाहर के जो दोस्त यार आते हैं पिता के, वो बच्चे से पूछते बेटा तूने बहुत अच्छा गाया, तुझे बता तुझे क्या चाहिए। तो मधु कैटब अपने आप को इतना बड़ा मान रहे थे सृष्टि का कि भगवान को देखते ही उनकी खूबसूरती से खुश हो गए। कहते अरे मैं तुम्हारी खूबसूरती से खुश हो गया, बता तुझे क्या चाहिए। भगवान विष्णु से बोलते, कृष्णा से कहते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी खूबसूरती से खुश हो गया हूं। भगवान ने भी दीनों की तरह मां भगवान को मांगने में तो कोई शर्म नहीं है ना, भगवान को मांगने में कोई शर्म नहीं है, भगवान बेशर्म होके मांगते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है ना। तो भगवान जो है मांगने के लिए पहुंच जाते हैं हमेशा ही। और इधर जो है भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप हमसे इतने खुश हैं हमारी सुंदरता देख करके, तो हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी मृत्यु हमारे हाथों हो, तो अपने मरने का रास्ता बता दीजिए कि आप कैसे मरेंगे। तो जो है जो मधु कैटब है वो डर गए, कहते हैं अरे ये तो हमसे हमारे जान ही मांग लिया। जैसे एक बार एक व्यक्ति है, एक कवि है, उस कवि ने कविता सुनानी शुरू करी, और वो कविता उसने इतनी बड़ी कविता सुना दी कि जो सामने एक मंत्री जी आए हुए थे उनका देहांत हो गया। इतनी लंबी कविता सुन के उनका हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। कवि पर जो है केस चल गया, कवि पर केस चल गया, तो जज ने बोला रे कवि तूने अपनी कविता सुना करके इसके प्राण ले लिए, अब मैं तुझे प्राण दंड देता हूं, अब तुझे फांसी की सजा मिलेगी, बता तेरी कोई अंतिम इच्छा है। कहता जज साहब आप मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर आपने मांगा बोला है कि मेरी अंतिम इच्छा, तो वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो ये मधु कैटब का कुछ ऐसा ही हाल हो गया। मधु कैटब ने बोला कि आप जो है मैं आपकी मैं तेरी सुंदरता से खुश हूं, बता तुझे क्या चाहिए। तो भगवान कहते, भगवान तो चालू में चालाक बड़े चतुर हैं, कहते ठीक है अगर तुम देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम मुझे अपने प्राण दे दो, तुम जान ही दे दो। कहते अरे ये तो भगवान बड़े जो है उसमें आ गए, बिल्कुल हमारे प्राण ही ले ले रहे हैं। और उस समय क्या था, ब्रह्मांड में मोस्टली पानी ही पानी था, सब ब्रह्मांड का बन रहा था, समझ लीजिए कि ब्रह्मांड बन ही रहा है अभी। तो जो है ब्रह्मा जी आ गए, इसलिए ब्रह्मा जी घबराए घबराए घूम रहे थे, उनसे सृष्टि निर्माण होने वाली है। तो जो है तो मधु कैटब तो हर जगह पानी पानी है, तो मधु कैटब कहते सोचते हर जगह तो पानी है, ये कहाँ मारेंगे, और क्षीर सागर में पानी है, ब्रह्मांड में पानी है। तो कहते हैं आप एक काम करो, आप ठीक है आप मारो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि वहां मारना जहां पानी ना हो, जलहीन जगह पर मारो। भगवान ने कहा ठीक है, और दोनों को अपने जांघों के बीच में दबाया और अपने सुदर्शन से मार दिया। तो जो है ये है भगवान। तो भगवान को जो है हम देखते हैं, और किसके लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान भीख मांगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपने भक्तों के लिए। जो देव लोग है ना भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए ब्रह्मा हैं। तो इनके मांगने के लिए जो है इनको खुश करने के लिए, उनसे मांगने के लिए तैयार हो गए।
और बताइए कौन भगवान ने किसके खुशी के लिए कहां पे भीख मांगा था, कौन बताएगा? एक और उदाहरण बताइए, बताइए बताइए एक उदाहरण जिससे भगवान ने मांगा था भीख कि मुझे ये दे दो। किस अवतार में मांगा था भगवान ने, जल्दी बोलिए, और किस अवतार में मांगा और किससे मांगा था भीख? हाँ बताइए, देखिए कौन कौन कथा सुन रहा है, जल्दी जल्दी आंसर बोलिए। वामन अवतार, बिल्कुल सही जवाब, और राजा बलि से, वेरी सही, वेरी गुड, बहुत सही उत्तर मिल गया। देखिए तो वामन अवतार, हाँ वामन देव अवतार में राजा बलि से क्या मांगा, भिक्षा मांगी, किसके लिए मांगा बताइए, किसके लिए मांगा था, किसके लिए मांगा था, अपने लिए मांगा था? बोलिए बोलिए, लिखिए लिखिए। वामन अवतार में किसके लिए मांगा था बताइए। चलिए तो आप लोग लिख रहे हैं, नहीं नहीं राजा बलि से मांगा था इंद्र के लिए, चेतना प्रभु, हरि बोल। चलिए आप सभी लोग जिन्होंने उत्तर दिया सबको बहुत बहुत हरि बोल, है ना? तो आप लोग आंसर कर रहे हैं इसका मतलब आप लोग कथा सुन रहे हैं क्योंकि जिनको आंसर नहीं कर रहे वो कम से कम हरी बोल, तो जो जिनको नहीं भी आंसर पता वो हरी बोल लिख रहे हैं इसमें, है ना? तो कहते हैं कि अरे राजा बलि से भगवान ने भीख मांगी, किसके लिए मांगी, इंद्र के लिए मांगी, क्योंकि राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे, है ना? और जो है कहते हैं कि और इंद्र कौन है, भक्त है, तो अपने भक्तों के लिए भगवान भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने भक्तों पे सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं भगवान अपने भक्तों पे, है ना? मानते हैं ना आप लोग? यानी सुदामा आया, दो मुट्ठी चावल खा के दो लोक दे दिए, और इससे राजा बलि से दो कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। सोचिए ये है भगवान, जो भगवान दो कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, मैया यशोदा के डर से भाग भागे भागे घूमते हैं छोटे छोटे कदमों से। बताइए भगवान की लीला को समझ पाएंगे? यानी जो भगवान क्या है, दो कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, वो मैया जब डंडा लेकर के डंडी लेके पीछे भागती हैं तो वो आगे आगे भागते हैं और मैया उनको पकड़ लेती हैं, है ना? भगवान के कदम इतने छोटे नहीं है। लेकिन इस समय अर्जुन क्या है, अर्जुन इस समय किसमें पड़ा है, परेशान हुआ है, और परेशान होकर क्या बोल रहा है, कहता है कि मुझे इनके युद्ध में जो मारे जाएंगे इस चीज से मुझे भय लग रहा है, इस चीज से उसको भय लगता है, और कहता है मैं विजय के पश्चात अगर मुझे प्राप्त भी हो गया विजय तो मैं किसके साथ रहूंगा। ये कौन करता है ऐसा, ये भौतिक जीवन का ऐसा होता है ज्ञान, जिसमें मुझे मिल गए और मेरे रिश्तेदार नातेदार नहीं रहे तो क्या होगा, अगर मैं भक्ति में आ गया तो मेरे, जैसे मैं भक्त जब आया डिवोशन में, मैंने चाय लहसुन प्याज सब जब छोड़ दिया, और जब हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाया करते थे तो वो लोग क्या करते थे, वो जो है कहते थे चाय पियोगे, हमने कहा नहीं चाय नहीं पीते, तो फिर हमें पानी भी नहीं पूछते थे अरे तुम तो चाय भी नहीं पीते तो पानी भी क्या पियोगे। कहने का मतलब है कि उसके वजह से हमारे बहुत रिश्तेदार नातेदार कट गए, हमें लोग अहंकारी मानने लगे, हमें लोग बिल्कुल ऐसा मानने लगे कि ये पागल है, है ना, अरे समाज से हट गया है। लेकिन भक्तों के लिए अभक्त पागल हैं और अभक्तों के लिए भक्त पागल हैं, ये हमें इसलिए पूरी दुनिया में सब पागल हैं, पता है ना आपको, सब पागल है। तो भक्ति क्या है, भगवान की इच्छा की पूर्ति करता है, और भगवान की इच्छा करता है पूर्ति तो भगवान उसकी सारी इच्छाएं ऐसी पूरी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम दिन रात अपनी इच्छा के लिए कार्य करते हैं तो भगवान हमें देखना बंद कर देते हैं, तो चाहे जितनी मेहनत करिए प्राप्त नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं होता, खूब मेहनत करिए जो प्राप्त हो जाएगा चला जाएगा। भगवान की इच्छा के लिए करेंगे तो भगवान क्या करते हैं, हमें सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कुछ ऐसा नहीं जो ना दे, इस चीज का भरोसा रखिए। तो भगवान की इच्छा जो है के लिए ही कार्य करिए, अगर आप कमा रहे हैं तो भगवान के लिए कमाइए, भगवान के भक्तों के लिए कमाइए, भगवान के गायों के लिए कमाइए, भगवान के तुलसी के लिए कमाइए,
भगवान के मंदिर के लिए कमाइए। अरे थोड़ा दान दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा दान दीजिए, इनके लिए करिए। तब जाकर के कहीं ऐसा होगा कि आपकी जो परम इच्छा है, यानी जो आपकी इच्छा है, जब आप भगवान के लिए करते हैं तो भगवान आपके लिए भर भर के करते हैं। राधा माता जी कहते हैं कि बट हमें सिर्फ कृष्णा के लिए सोचना है, हाँ केवल भगवान के लिए सोचना है। तो भगवान के लिए सोचने का मतलब क्या, चलिए देखते हैं। यानी भगवान के लिए हम सोचते हैं जब हम भगवान के भक्तों की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, तब मतलब हम भगवान के लिए सोचते हैं। जब हम भगवान के मंदिरों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान के लिए सोचते हैं। जब हम भगवान के प्रियसी गऊओं के लिए, जिसको भगवान ने खुद अपने हाथों से सेवा करी है, हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान के विषय में सोचते हैं। बाकी केवल सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने के साथ हमें भगवान के लिए इन विषयों में करना पड़ता है ना, तो मतलब हम भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। अर्जुन क्या चाहता है, भगवान आपको मारना हो सबको मार दो, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, आप सबको मार दो। वो ऐसा सोच रहा है, हे भगवान आप कर दो मेरे लिए, मुझे काम करने का मन नहीं है, है ना। कहते ना, जब पूछे किसी से, अरे कथा में आना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी कथाएं चल रही है, कथा का श्रवण करिए, जब हरी इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे, प्रभु जी अभी टाइम नहीं है। अच्छा चलो एक काम करो, फिर उसी से अगले दिन बोलिए यार हाफ डे ले लो, मूवी देखने चलते हैं, वहां मजे करके आएंगे। इमीडिएटली ऑफिस में हाफ डे डाल देगा वो, क्यों, क्योंकि उसके लिए भगवान की इच्छा नहीं चाहिए, उसके लिए तो मेरी इच्छा बहुत है। भगवान की इच्छा किसमें है, भगवान की इच्छा इसमें है कि आप भगवान की इच्छा के लिए कार्य कर रहे हैं, यही भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ बेटा। और मेरे शरण में आने का मतलब क्या है, मेरे धर्म को स्वीकार करने का मतलब क्या है, कि किसी तरीके से तुम बस, किसी तरीके से तुम बस सततम कीर्तयन्तो माम। ये कथाएं चल रही है ओंकारेश्वर मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 10 कर रहा है, इन कथाओं को मत छोड़ो, ये भागवत कथाएं संडे टू संडे भगवत गीता सुबह सुबह कर रहा है, और हम लोग संडे को रात शाम को भी लाइव नहीं प्रोग्राम होता, लेकिन यहाँ पे अपने सेंटर में प्रोग्राम करते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। हाँ चेतन प्रभु, यद करोसी यद स्नासी यज हो से ददास, जो खाते हो पीते हो करते हो सब कुछ मेरे लिए करो। तो जब हम ये सब काम करेंगे, जब भगवान के लिए करेंगे, तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं मेरा भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, भगवान कहते हैं। तो इस समय अर्जुन बहुत दुखी है और परेशान होकर के बोल रहा है, वो ये भूल चुका है कि भगवान का असली भक्त है, और उस समय वो बिल्कुल नॉर्मल भक्तों की तरह बात कर रहा है, अपने इंद्रिय सुख के लिए बात कर रहा है, और जो है वो भगवान की योजना है कि सबका वध हो। और भगवान ने क्या बोला है आगे 11वें चैप्टर में बताएंगे अर्जुन को, अरे तुम केवल निमित्त मात्र हो, सबका वध तो मैं पहले ही से कर चुका हूं, सबको मैं पहले ही से मार चुका हूं, तुम केवल निमित्त बनो और क्या करो, युद्ध करो और राज भोगो। भगवान अपने भक्तों से कहते हैं भोगो भोगो, मेरे लिए काम करो और फिर भोगो तुम। आप एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए, सुदामा गरीब था, भगवान की भक्ति के लिए अपने अपनी श्रद्धा से ज्यादा लेकर के गया। अरे मैं कहता हूं, मैंने आपसे बोला था एक ट्रॉली के लिए 5,000 लगते, नहीं तो 1,100, 500, 100 रुपए, अरे जो हो एक अपने तरफ से थोड़ा सा पैसा छोड़ो। और जो है तब भगवान क्या करते हैं वो देखो, उधर क्या करते हैं, ये सुदामा अपने साथ मतलब घर में चावल नहीं था, मांग करके चावल लेकर गया, भगवान को उसने एक मुट्ठी चावल खिलाया और भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाकर इसको 2 लोग दे दिया का भोगो। ध्रुव महाराज भक्ति किए, भगवान ने दर्शन दिए और से कहा भोगो। प्रहलाद महाराज भक्ति किए, भगवान ने दर्शन दिए कहा भोगो। अर्जुन लोग भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, किया और भगवान ने क्या किया, कहा भोगो। किसी से नहीं कहा कि जंगल चले जाओ, किससे कहा भगवान ने जंगल चले जाओ, कहा भोगो भोगो, लेकिन भोगो, लेकिन मुझे सेंटर में रख करके भोगो। जो अच्छे से अच्छा खाना है मुझे भोग लगा के खाओ, अच्छे से अच्छा पहनना पहनो, मुझे दिखा करके खाओ पी पहनो उसको। जहां जाना है, अरे जहां जाना है जहां पे मैं हूं तुम वहां जाओ, मंदिर जाओ, वृंदावन जाओ, अलग अलग धाम में जाओ। अरे घूमने का मन है तो धाम बना दिए, गाने का मन है तो कीर्तन बना दिया, भजन बना दिया, खाने का मन है तो प्रसाद बना दिया, अरे बोलने का मन है तो कथा बना दिया, पढ़ने का मन है तो भागवतम बना दिया,
भगवत गीता बना दी। पहनने का मन है तो धोती कुर्ता पहना दिया, माथे में कुछ लगाना है तो तिलक बना दिया, गले में कुछ धारण करना है तो कंठी पहना दिया। बताइए ऐसा क्या है जो आप करना चाहते हैं भगवान ने आपके लिए नहीं किया, लेकिन हमने इन सबको छोड़ दिया। हमें खाना है तो हम कचरा खाएंगे, जाना है तो कचरी जगह जाएंगे, पहनना है तो कचरा पहनेंगे, माथे में लगाना तो कचरा लगाएंगे। हमने ये ठान लिया, भगवान ने कहा ठीक है। इसलिए क्या है, हमें भगवान को सबसे ज्यादा कष्ट कब पहुंचता है पता है, जब कोई भगवान के भक्तों को कष्ट देता है, भगवान की गायों को कष्ट देता है। नमो ब्राह्मण गो, नमो ब्राह्मण, अरे क्या है, हाँ, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, है ना। भगवान कहते ब्राह्मणों की रक्षा यानी वैष्णवों की रक्षा और गायों की रक्षा, यही तो भगवान का कार्य है। हम ब्राह्मणों को न वैष्णवों को सम्मान करें न गायों को सम्मान करें तो क्या होगा, भगवान जो है हमारा सम्मान नहीं करेंगे, हमें रक्षा करनी चाहिए उनकी। मौका मिलते ही हम जब मंदिर जाएं, जब कभी वृंदावन पहुंचे, मथुरा पहुंचे, धाम पहुंचे, तो क्या होना चाहिए, धाम पहुंच करके हमें पैसे बचाने नहीं है, पैसे देने हैं मंदिरों ब्राह्मणों को दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने वो जगह छोड़ दी तो हमारे भगवान की रक्षा कौन करेगा, उनको कौन सजारेगा, कौन संवारेगा। देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में माता जी ने बिल्कुल सही, राधा माता जी ने बिल्कुल बताया, हमें हम सब एक आवाज होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा कि कोई भक्तों पर आकर आक्रमण कर दे और दूसरा भक्त चुपचाप देखता रह जाए, नहीं, हमें आवाज उठानी है। लेकिन आवाज में हम खून नहीं कर सकते, वध नहीं कर सकते किसी का, वध करने का हमें अलाउड नहीं है अभी, लेकिन भगवान का कीर्तन से पूरे विश्व को हिला सकते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को हिला सकते हैं अपने कीर्तन भजन कथाओं से, हर जगह जगह पर हम बता सकते हैं कि हमारी क्या क्षमता है, भगवान के भक्तों की कितनी क्षमता है, यह हम जगह जगह बता सकते हैं। भगवान क्षमा नहीं करते अपने भक्तों को जो कोई हानि पहुंचाता है, भगवान को क्षमा नहीं करते। इसलिए दुर्योधन लोगों को भगवान ने कहा क्षमा नहीं करूंगा, इन्होंने मेरे भक्त अर्जुन लोगों को इतना कष्ट पहुंचाया है, इसलिए भगवान ने उनके वध के लिए बिल्कुल बोल दिया अर्जुन को कि तुम युद्ध करो। और आज वही समय है, आज के समय में वैष्णवों को गायों को जगह जगह मारा जा रहा है, वैष्णवों को देखिए बांग्लादेश में मारा जा रहा है, गायों के जिस तरह से वैष्णवों के लिए आवाज उठी ना, वैसे गौओं के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। गाय गौ रक्षा होगी उससे वैष्णव रक्षा और ज्यादा होगी, पता है, बड़ा लिंक है ये, इस चीज को हम समझ नहीं पाते। गौ रक्षा से ब्राह्मण रक्षा होती है, क्यों, क्योंकि जब गौ होगा तो गौ का दूध होगा, गौ का दूध ज्यादा मात्रा में होगा तो ज्यादा मात्रा में गौ का दूध पिया जाएगा, और जब गाय का दूध दूध नहीं अमृत है, जब वो अंदर शरीर में जाता है तो अंदर भक्ति पैदा करता है, क्योंकि गाय के शरीर में सारे देवी देवता निवास करते हैं, तो गाय का दूध क्या है, अमृत है। उस अमृत को जब पीते हैं ना लोग तो क्या होता है, उससे वह व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। इसलिए जब सबसे पहले गाय थी तो अंग्रेजों ने देखा कि अरे क्या बात है, इतना दुख देते हैं हम, इतना कष्ट देते हैं, तब भी इनको ये टूट क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने देखा क्या, अरे ये तो गाय का दूध पी रहे हैं, ये तो गाय का दूध पी रहे हैं, इसलिए इतना है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने इंपोर्ट किया भैंसे, भैंसा भैंस इंपोर्ट हुई यहां पर, और तब 1900 के ही सबसे पहले ही उसमें 10-15 साल में ही, यानी आज से 110 साल पहले भैंसे आई ऑस्ट्रेलिया से। उन भैंसों का दूध में ज्यादा दूध होता था क्योंकि उनमें उनको ऐसे, क्योंकि भैंसे भैंस वगैरह जो है ना ये सब बनाए गए हैं, और गाय भगवान, देखिए कहीं भी किसी भी शास्त्र में भैंस का नाम नहीं है, भैंसा का नाम है जो इनका वो है भाई, यमराज की सवारी है वो भैंसा जो है, जिस जो लोग भैंस का दूध पीते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली यमराज की ओर करीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुशी मिलती है यमराज के सवारी को, अरे देखो मेरे भैंस का दूध पी रहा है, तो और ज्यादा यमराज के करीब होते जाते हैं। गाय का दूध पीते हैं तो भगवान के करीब होते जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी गाय का दूध पी रहा है।
तो क्या हुआ, भैंसें आई, उनमें खूब खूब दूध आने लगा। धीरे धीरे करके सारी भैंसों ने गायों को रिप्लेस किया, गायों को काटा जाने लगा, ब्राह्मणों ने आवाज नहीं उठाई और गायों को काटना शुरू हुआ। गाय यहां से एक्सपोर्ट होने लगी और भैंसे इंपोर्ट होने लगी। जगह जगह पर गाय एक्सपोर्ट हुई, यहां से कटने के लिए एक्सपोर्ट होने लगी। बताने लगे बेकार गाय है, गाय की महिमा को खत्म कर दिया। और जो है गाय की महिमा को खत्म करने के बाद क्या किया इन्होंने, बिल्कुल नाश कर दिया और यहाँ पे शास्त्र खत्म कर दिए। कहते शास्त्र और गाय ब्राह्मण, ये तीन लोग हैं जो इनके रक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले ब्राह्मण खत्म किए, गाय खत्म किए और शास्त्र खत्म किए, इससे देश खत्म हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश में ऐसी हरकतें हो पाई, क्योंकि अगर हमारे पास बांग्लादेश में अगर ये गाय होती तो ये बांग्लादेशियों में ये हिम्मत नहीं होती कि ऐसा कुछ कर सकते, क्योंकि पहले मुस्लिम लोग भी हिंदुओं के सपोर्ट में कार्य करते थे, है ना, ये रहता है। सारे मुस्लिम नहीं, हरिदास ठाकुर मुस्लिम है, रस खान मुस्लिम है, लेकिन ये भगवान को जानते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा कार्य किया कि भगवान के लिए कार्य किया। लेकिन कई लोग सोचते हैं मैं दूसरे के धर्म का नाश करके अपना धर्म बढ़ा लूंगा। नहीं 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 नहीं, धर्म क्या है पहले ये जान लो, फिर नाश कर पाओगे। तो पहले क्या होना चाहिए, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे गोविंद को, ऐसे गायों को, इंद्रियों को सुख देने वाले कृष्ण को नमन, जो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं। तो हमें क्या, दो हमारे दो लक्ष्य हैं। पहला, हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति से के बजाय भगवान की तृप्ति के लिए कार्य करना है। भगवान के लिए कार्य कैसे करेंगे, जब हम भगवान के ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, भगवान के गाय की रक्षा करेंगे और भगवान के वैष्णव की रक्षा करेंगे। पहले ब्राह्मण मतलब वैष्णव समझ लीजिए, तो वैष्णव रक्षा और गौ रक्षा से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और इन दोनों को दुख करके, दुख दे करके हम भगवान को दुखी देते हैं। इसलिए कुछ वैष्णवों ने मिलकर के श्याम सुंदर गौशाला बनाया, जो मैंने आपको बताया था। 400 गौवंश है इस समय, उनको चारे की आवश्यकता है। अभी तक केवल और केवल 7-8 ट्रॉली की व्यवस्था हुई है, 8 ट्रॉली की व्यवस्था हुई है, 52 ट्रॉली बची हुई है। तो पुनीति माता जी, आप मांग रही थी ना बैंक डिटेल वगैरह, तो आप कृपया इससे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप इस चीज का स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि आपको जो है मिल जाए। तो जो जितना हो सके, एक ट्रॉली 5,000 रुपए है केवल, और हमें 60 ट्रॉली में से 8 ट्रॉली हुई है, 8 ट्रॉली हो चुका है, 52 ट्रॉली यानी 52 ट्रॉली अभी भी बची हुई है। कृपया, आपके पास फंड नहीं है कोई बात नहीं, आप लोगों को तक पहुंचाइए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लोगों को तक पहुंचाइए कि कुछ हो सके, 100 रुपए, 500, अरे सब लोग मिलकर बूंद बूंद से घड़ा भरता है ही कितना, अगर हम सब मिलकर हाथ मिला दें तो कितना हो जाएगा अमाउंट, बहुत छोटा हो जाएगा, हमारी गायों का पेट भर जाएगा। अच्छा, ये समझ लीजिए, केवल और केवल गायों के पास जाना है। हम लोग जो है हम सोचते हैं हम गायों को कुछ ना करें, हम केवल कृष्ण सेवा करें, तो भगवान कहेंगे तुम मेरी प्रेयसी मैंने दे रखी है, उनको तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम मेरे लिए प्लान कर रहे हो, ऐसा नहीं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इस विषय को प्रचार करें कि बहुत आवश्यकता है इस समय, सच में एक महीने के अंदर हमें 300 ट्रॉली चाहिए, क्योंकि ये समय वो है जब नया अनाज आने के पहले जो चारा निकलता है उसको तुरंत खरीद करके भरना पड़ता है। पूरा प्रयास चल रहा है, जैसे ही प्रयास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं बोलना बंद कर दूंगा अगले 6 महीने के लिए, लेकिन ये चारा भरना है। केवल 52 ट्रॉली, हम लोग इतने लोग हैं, अगर 52 ट्रॉली चाहें तो हम सब चाहें, अगर एक एक ट्रॉली, दो दो ट्रॉली, आधी आधी ट्रॉली, चौथाई ट्रॉली, कुछ ट्रॉली का कुछ हिस्सा अगर हम डाल दें तो भी क्या होगा, हमारे गायों का पेट भर जाएगा। और आपको लगेगा औसत आपने, मैंने तो गाय देखा नहीं, मैंने गौशाला देखा नहीं, मैं क्या जानूं सही है कि गलत है, तो इस ट्रस्ट करिए, व्याज गद्दी में बैठ के मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। आप श्याम सुंदर गौशाला यूट्यूब में डालिए, आपको दिखाई देगा कि उसमें कितने कार्य होते हैं। बहुत बहुत उत्तम प्रयास है सारे वैष्णवों का, बहुत उत्तम प्रयास है। तो उस प्रयास को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने गौवंश की रक्षा हो रही है। हम जब तक गौ की रक्षा नहीं करेंगे, हम वैष्णवों की रक्षा नहीं करेंगे और हम बोले हम भक्त हैं, थोड़ा मुश्किल है इसको जानना, है ना। हाँ, अगर लक्ष्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए, शायद कहीं से कुछ हो, ठीक है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे हरी बोल। धन्यवाद राधा माता जी, आपने हमें विश्वास दिलाया आप जरूर करेंगे। माता जी करिएगा, अगर अपने पास नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं कर सकते, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, 1 रुपए कुछ अपने हिसाब से गायों के लिए निकाल दीजिए, बस इतना ही है। और बाकी अपने लोगों को प्रचार करिए, सबको बताइए कि इतना चाहिए, केवल इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं है। इतना चारा आ जाएगा, उस चारे की हम आपको फोटो शेयर करेंगे, जब चारा आने लगेगा ना उस चारे की पूरी फोटो शेयर करेंगे, देखो ये गाय है, ये चारा है, ऐसे ऐसे गायों की उस चारे से व्यवस्था की जा रही जो आप लोगों ने चारा दिया है, उन्हीं गायों को हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कल भागवत कथा में बहुत अच्छे, क्या चल रहा है इस समय बताइए, गोपी गीत चल रहा है, और गोपी गीत को हम बहुत अच्छे से गा के समझेंगे, ठीक है। हरी बोल हरे कृष्णा, मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे फिर से। हरे कृष्णा।